नमस्कार, बिहारी टिक्स देख रहे हैं आप। और आज खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री बाल गोविंद जी। बाल गोविंद जी, सम्राट चौधरी का बयान आया है लालू यादव के लिए कि वो अपनी बेटी को जो है किडनी के बदले में एक सीट दिए हैं, क्या कुछ कहना चाहिएगा? सबसे पहले आपको धन्यवाद जी। और देखिए, ये देश नारी प्रधान देश है, यहाँ सदियों से नारियों का सम्मान हुआ है, बेटियों का सम्मान हुआ है। और यदि सम्राट चौधरी किसी बाप और बेटी के रिश्ता में बोले हैं तो ये निंदनीय है। एक ही बता देते हैं, सम्राट चौधरी उसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जिस बेटी को उन्नाव में जलाया गया, उसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जिसके सरकार में क्या नाम है कि असम में बेटी के साथ क्या हुआ, उसी पार्टी के एक प्रदेश अध्यक्ष है। और इसीलिए सम्राट चौधरी एक बेटी को, बाप और बेटी के बीच में जो पवित्र रिश्ता है, उस रिश्ता को इन्होंने शर्मसार करने का बात किया है। अरे बेटी तो घर का उजाला है, बेटी तो बाप की धड़कन है, बेटी मर्यादा है। बेटी तो घर से जब जाती है तो एक मुट्ठी चावल लेकर जाती है, आंसू लेकर जाती है डोला। और जब सुनती है बेटी के मेरे बाप पर किसी प्रकार का दिक्कत है, मेरे माँ पर दिक्कत है, बेटी आंसू लेकर आती है। बेटी का कोई तुलना करेगा? हाँ, बेटी घर की लक्ष्मी है, बेटी घर की चिराग है, बेटी घर की जुगनू है। और बेटी ही घर की बेटी बनकर दूसरे घर के जाती है तो दूसरे घर का वंश है, दूसरे घर का चिराग है, दूसरे घर की रोशनी है। बेटी के ऊपर टिप्पणी करना ये निंदनीय है। और ऐसा यदि बोले हैं सम्राट चौधरी तो उनको भरी समाज में मीडिया के सामने आकर उन्हें माफी मांगना चाहिए, तब जाकर लगेगा कि नहीं सम्राट चौधरी तमाम बिहार के बेटियों के साथ खड़ा है। नहीं तो हम चाहेंगे कि एक रोहिणी आचार्य का अपमान नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में एक बाप और बेटी के बीच में जो रिश्ता, पवित्र रिश्ता है, इस रिश्ता को शर्मसार करने का काम किए हैं सम्राट चौधरी। अब ऐसा हमने कभी नहीं सुना है और न हमको सुनने का मिलेगा कि एक बाप बेटी का रिश्ता। आज आपके घर में बाप बेटी का रिश्ता है, आपकी भी बहन बेटी है, हमारे घर में भी बहन बेटी है। सम्राट चौधरी तो नीतीश कुमार के विधानसभा वाले बयान पे भी कड़ी निंदा किए थे, कहते थे कि जिनकी बहन बेटी घर में होगी वो इनके साथ गठबंधन में नहीं रहेगा। आज वो खुद जो है एनडीए के साथ, जैसे पगड़ी जो बहले वाला ना, ठीक है जी, पगड़ी उतरले नहीं खा, उनकर दिमाग चकरा गल बा। पहले पगड़ी उतार के मालूम नहीं नहा धोवत हुई कि नहीं नहा धोवत हुई, पहले नहा धोव। अब भगवान राम कहीं राम नामी ओढ़ के पगड़ी नहीं खा उतर ले तो भगवान राम भी उनका बुद्धि में जले है कि बिना नहाए धोए ही पूजा पाठ कर रहा है, पूजा नहीं। इसलिए पूजा उनका एक्सेप्ट, भगवान उनका पूजा अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके दिमाग में गोबर भर गया है। और भगवान राम से कहेंगे कि हे भगवान राम, इनको सद्बुद्धि दे कि एक राम ने पत्नी के वियोग में, एक नारी के वियोग में रावण को वध किया, असत्य पर सत्य का विजय किया। अब उसी राम के भक्त हैं कि एक नारी का, एक बेटी का अपमान कर रहे हैं। यदि सम्राट चौधरी जब राम भक्त हैं, राम नामी पगड़ी बांधते हैं, तो कम से कम राम की तो मर्यादा समझे होते, राम के बारे में तो जाना होते कि राम ने लंका पर किस लिए चढ़ाई किया है। इसलिए कभी दुर्गा बन के आती है नारी, कभी शिव को, कभी शिव की महिमा बचाती है नारी। नारी का करोगे अपमान तो छाती में कभी खंजर चुभाती है नारी। अरे वाह, तो देखा आपने किस तरह से नारी के सम्मान में, नारियों के लिए बाल गोविंद जी ने सम्राट चौधरी को जबरदस्त लताड़ा है। बाकी आप इस बयान पर क्या कुछ कहना चाहिएगा कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। अब हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।